वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ग्लो अप विद मून कौर। सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोना विजिट अ वेरी पायस प्लेस, बट ये जगह कौन सी है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। बट बिफोर दैट लेट्स गेट रेडी। It's time to go. I'm having green tea on my way because why not? So the place that we are visiting is Gurudwara Shri Fatehgarh Sahib. December 21st to 28th, ये डेट सिख हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, क्योंकि इन दिनों में गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहिबजादे और माता गुजरी जी शहीद हुए थे, और ये सब फतेहगढ़ साहिब में ही हुआ था। इसलिए उन दिनों यहाँ दूर दूर से पिलग्रिम्स आते हैं। इतने रश में प्रॉपरली प्रे करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, सो वी थॉट कि क्यों ना एक बार पहले आकर हम प्रॉपरली प्रे करें, इनफ टाइम लगाएं और पूरा दिन अच्छे से स्पेंड करें। इवन दो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर सबसे इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर लोग पूरा मंथ ही शहीद साहिबजादों को डिवोट करते हैं। यहाँ आज भी बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का शहीदी स्थान प्रिजर्व करके रखा गया है, बट वो देखने के लिए आपको खुद एक बार विजिट ज़रूर करना पड़ेगा, बिकॉज़ वहाँ शूट करना अलाउड नहीं है। यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स ऑलवेज डू वंडर्स ऑन माय मूड। माइंड इतना काम हो जाता है कि सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खुद ही मिल जाते हैं। ठंडा बुर्ज, यहाँ माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों को रखा गया था। ह्यूमंस के लिए स्पिरिचुअलिटी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, और रिलीजन एंड दीज रिलीजियस प्लेसेस आर जस्ट अ मीन्स टू कनेक्ट यू विद स्पिरिचुअलिटी। इन जगहों का ऑरा इतना पॉजिटिव और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इट विल डेफिनेटली लीव एन इम्पैक्ट ऑन यू। मैं इस वीडियो में हिस्ट्री ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती, बट आई विल डेफिनेटली लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन नो मोर अबाउट दिस। जब भी आप किसी रिलीजियस प्लेस पर जाएं, तो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आराम से बैठकर, शांत होकर डीप ब्रीदिंग कीजिए और अपने रनिंग थॉट्स को एक पॉज दीजिए। उस मोमेंट में और जो उसके बाद आप पीस फील करेंगे ना, वो अनएक्सप्लेनेबल होता है, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। श्री फतेहगढ़ साहिब जी के बाद हम गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब गए। यहाँ माता गुजरी जी और
और दोनों छोटे साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया गया था। हम अपने बिजी लाइफ और रनिंग थॉट्स के इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हमारे थॉट्स कितने स्कैटर्ड हैं। थोड़ा सा बर्डन आने पर ही हम सोचते हैं कि हमारा ये छोटा सा ब्रेन क्या क्या करेगा, बट हम ये जानते ही नहीं कि ये छोटा सा ब्रेन एक्चुअल में कितना लिमिटलेस है। इसे बस कामनेस, सेरेनिटी और सही थॉट्स की ज़रूरत है। एक बार इस तरह से मी टाइम स्पेंड करके देखिए, जब आप सच में सिर्फ अपने साथ, अपने थॉट्स के साथ हों। Hey guys, so now we are on our way back home and I can't even describe कि कैसा feel हो रहा है। एक अलग सी calmness, peace, serenity। आपको बहुत ज़्यादा happy feel नहीं होगा? बस सब कुछ ठहरा ठहरा, ऐसे लग रहा है कि सब कुछ कितना easily हो ही जा रहा है। You should try and visit the nearest spiritual place to your house and you'll feel the difference. So that's it for today's video. But I'll meet you with the next video really soon. But please don't forget to like, share and subscribe. Glow up with Moon Core. Bye!